केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 12 फरवरी 2022 को स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता योजना की शुरुआत की गई। राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों, समुदाय आधारित संगठनों और संस्थानों के सहयोग से इस अम्ब्रेला योजना में कई व्यापक उपाय शामिल हैं, जिनमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने की क्रिया से जुड़े व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी उपाय शामिल हैं। मंत्रालय ने 2021-22 से 2025-26 तक की 5 साल की अवधि के लिए इस योजना के अंतर्गत 365 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय योजना के माध्यम से यह योजना 9वीं कक्षा से स्नातकोत्तर तक ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है। प्रधानमंत्री दक्ष योजना समाज के वंचित व्यक्तियों को कौशल विकास और आजीविका प्रदान करती है। यह योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ सम्मिलन में समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य के जरिए चयनित अस्पतालों में जेंडर रीअफर्मेशन सर्जरी के लिए एक व्यापक पैकेज प्रदान करती है। मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय को भोजन, कपड़े, कौशल विकास के अवसर, चिकित्सा सहायता आदि प्रदान करने के लिए 8 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में गरिमा गृह नामक 12 पायलट आश्रय गृहों की शुरुआत की है। अपराधों के मामलों की निगरानी और समय पर अपराधों के पंजीकरण, जांच व अभियोजन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय पोर्टल और हेल्पलाइन ट्रांसजेंडर समुदाय व भीख मांगने की क्रिया से जुड़े व्यक्तियों की समस्याओं के लिए आवश्यक जानकारी और समाधान प्रदान करेंगे। स्माइल भीख मांगने की क्रिया से जुड़े व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के माध्यम से सर्वेक्षण और लाभार्थियों की पहचान, आश्रय घरों में उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भीख मांगने की क्रिया से जुड़े व्यक्तियों को एकजुट करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। भीख मांगने के कार्य में लगे बच्चों और ऐसी गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों के बच्चों के लिए शिक्षा और व्यापक पुनर्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्माइल योजना सबका प्रयास के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हासिल करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है।